जैसे कि मैं आपको एक दिन पहले ही बता चुकी हूँ कि इस बार का जो एलिमिनेशन हुआ है वो यहाँ पर घर वालों के वोटों के द्वारा हुआ। घर वालों ने डिसाइड किया कि किसको घर से बेघर होना है नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से। फिलहाल सौंदर्या एलिमिनेट तो हुई है, लेकिन यहाँ पर अर्चना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि सौंदर्या घर से बेघर हो। वो चाहती थी कि शालीन को घर से बेघर होना चाहिए, वो रहना भी नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर शिव ठाकरे ने स्टैंड लिया शालीन टीना का, जो कुछ भी देखिए चल रहा है, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं वो कंटेंट तो दे रहे हैं, चाहे वो फेक कर रहे, रो रहे, गा रहे, एक्टिंग कर रहे, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। उसी पर अर्चना का ये भी कहना है कि वो मतलब टास्क करती है, टास्क परफॉर्म करती है अच्छी तरीके से, तो उसको शो में रहना चाहिए। शिव ठाकरे भी यहां पर चाहते हैं कि शालीन टीना में से किसी एक का एलिमिनेशन ना हो, सौंदर्या को ही जाना चाहिए। और घर वाले यहां पर आपसी सहमति से ज्यादातर यहां पर नाम लिया गया सौंदर्या शर्मा का, जिसके बाद सौंदर्या को इस बार एलिमिनेट किया गया। जी हाँ, इस वीकेंड के वार में सौंदर्या शर्मा का एलिमिनेशन हुआ, लेकिन अर्चना गौतम बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अर्चना गौतम ने उनके लिए स्टैंड लिया, इनफैक्ट निमृत भी आई थिंक कहीं ना कहीं नहीं चाह रही थी, जिसकी वजह से शिव के साथ उनकी यू नो बहस भी हो गई है, क्योंकि निमृत भी स्टैंड ले रही थी सौंदर्या के लिए, वो नहीं चाहती थी कि सौंदर्या जाए। फिलहाल सौंदर्या का एलिमिनेशन हो गया क्योंकि ज्यादा घर वालों ने उनको वोट्स दिया घर से बेघर करने के लिए। फिलहाल ये जो एलिमिनेशन था वो फेयर था या फिर अनफेयर था, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।